हेलो गाइस, मैं हूँ अमित और आप सभी का स्वागत है अमित अनबॉक्सिंग में। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाला है एक ब्लूटूथ ईयरफोन की। ये रही इसकी रिटेल पैकेजिंग, और पैकेजिंग पे साइट पे कुछ लिखा हुआ है इसके स्पेक्स के बारे में। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। तो पैकेट खोलते ही आपको अंदर मिल जाता है एक ब्लूटूथ ईयरफोन जो कि वायर्ड है, और साथ ही साथ इसकी वारंटी इशू करने की एक कार्ड दी गई है। इस पे मिल जाता है 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी। तो यह है इसका एक्चुअल ब्लूटूथ ईयरफोन जो कि मैग्नेटिक है। इसके दो स्पीकर्स के भी अलावा यहाँ पे साइड में मैग्नेट दिए गए हैं, और ये कुछ ऐसे चिपक जाते हैं तो दिखने में कुछ ऐसा है। तो चलिए इसे करते हैं पावर ऑन। जैसे ही पावर ऑन करते हैं यहाँ पे साइड पे लाइट जो ब्लिंक करते हुए दिख देती है। जैसे इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये ब्लिंक करना बंद कर देगा, और साथ साथ इस पे साउंड भी आता है। और वाइज ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ फिल्टर दी गई है कचरे का, ताकि ये कचरा अंदर ना जा सके। ये इसके कवर्स है, मैं निकाल देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे जालियाँ दी गई है ताकि कचरा अंदर जा ना सके। और साथ ही साथ ये है एक्चुअल हेडफोन, और यहाँ पे मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा एक छोटा सा चार्जिंग केबल जो कि USB 2 नॉर्मल माइक्रो USB का पोर्ट को देखने को मिल जाएगा। तो गाइज ये जो हेडफोन है मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। ये है इसका फर्स्ट लुक, और अगले हफ्ते आपको मिल जाएगा इसका रिव्यू वाला वीडियो। और ये काफ़ी चीप प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मैंने 2-4 म्यूजिक स्विच सुने हैं इसके ज़रिए और काफ़ी अच्छा लगा है। और गाइज साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर जो 3 बटन आपको देखने को मिल जाता है, ये नेगेटिव बटन वॉल्यूम डाउन करने के लिए ऊपर मिल जाता है, पॉजिटिव का बटन जो कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए है, बीच में आपको पावर बटन और कॉल बटन मिल जाता है, साथ ही साथ ऊपर मिल जाता है आपको म्यूजिक को स्विच करने के लिए बटन। ऐसे प्रेस करेंगे और नीचे भी म्यूजिक स्विच दोनों से ही हो सकते हैं, म्यूजिक स्विच आगे पीछे म्यूजिक को होने के लिए। इसकी की जो है ये जो पावर की है इसे थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना पड़ता है इसे पावर ऑन करने के लिए, और कॉल रिसीव करने के लिए बस एक क्लिक करना पड़ता है। डबल क्लिक अगर करते हैं कोई कॉल अगर मिस हो जाता है तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं, वो कॉल जो है वापस चला जाएगा, आपके फ़ोन से डायल होने लगेगा। और ऊपर वाला जो बटन है वो एक बार अगर सिंगल आप अगर प्रेस करते हैं तो इससे जो म्यूज़िक है वो चेंज हो जाएगा, और प्रेस करके अगर थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं तो उसके हिसाब से जो भी आप बटन प्रेस करेंगे उसके हिसाब से ये जो है वॉल्यूम अप डाउन हो जाएगा। काफ़ी रिसेंटली है, काफ़ी छोटा है, एक वायर जो आपको छोटा और एक वायर बड़ा मिलता है। जो राइट वाला है वो थोड़ा सा छोटा है, और जो लेफ्ट वाला है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। इसी तरह से और भी अनबॉक्सिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस जैसे ये कनेक्टेड हो जाता है इसका से ब्लू लाइट जो है ब्लिंक करते हुए दिखाई देगा थोड़ी देर बाद में। तो गाइस अभी आप जो आवाज़ मेरी सुन रहे हो वो इस ईयरफोन के ज़रिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और देखते हैं कि साउंड कैसा आता है। आप लोगों को कैसा लगा इसका साउंड ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
ये काफ़ी अच्छा साउंड देता है, काफ़ी लाउड देता है, और स्टीरियो मोड जो है इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा स्टीरियो जैसा साउंड फील होता है। और गाइज ये जो है चीप एक हेडफोन ईयरफोन है, इसका प्राइस जो है आपको 300 में रुपीस में आराम से मिल जाएगा। तो अगर को आपको भी ये परचेस करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हो।